गुड इवनिंग माई ऑल डियर एंड लवली स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा तिवारी एंड वेलकम टू माई चैनल कोचिंग फ्री इंडिया। टूडे आई विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ओके, आज के सेशन में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पूरा डीपली अच्छे से कवर करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया और हाइड्रोकार्बन्स की फैमिली जैसे कि एल्केन फैमिली, एल्कीन फैमिली एंड एल्काइन फैमिली अगर अच्छे से आपने कवर कर लिया, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें सॉल्व करने के लिए या उसको अच्छे से कवर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक क्या है हम लोग का? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन, ओके, हाइड्रोकार्बन नाम से ही देखो इसका जो डेफिनेशन है इसी में ही छिपा हुआ है। देखो हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन्स देखो लिखा हुआ है, कार्बन्स का मतलब कार्बन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम एंड मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं उसी को ही कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेथेन को क्या लिखते हो? CH4 लिखा जाता है। अब मेथेन आपका क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप लोग देख लियो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको फॉर्म्ड हुआ है इसमें क्या क्या पार्टिसिपेट हो रहे हैं? कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोकार्बन। और यही हाइड्रोकार्बन ही आपका क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जैसे कि यूनिट 12 स्टार्ट हो चुका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका, तो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से डीपली कवर किया हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, बेंजीनस हाइपोथेसिस क्या होता है, सब ऑलरेडी बता दिया गया है। जिन बच्चों ने उस क्लास को नहीं अटेंड किया उसको जाके हमारे पहले वाले वीडियोज को देख के अच्छे से उसको सेशन को अपना अटेंड कर लें। ठीक है, तो देखो हाइड्रोकार्बन्स दैट टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच इज आल्सो नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, अब हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमेशा हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स के मॉलिक्यूल्स के आपस में कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं उसी को ही कहते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन्स। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलो, हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? सारे बच्चे हमारे साथ नोट्स करते रहना। दैट टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड formed by the combination of hydrogen and carbon atoms and molecules which is also known as hydrocarbons। Okay, देखो that type of compounds, ऐसे compounds which are formed, जो कि form हो रहे हैं by the combination of, combination के द्वारा, किसके combination के द्वारा? हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन एंड कार्बन के एटम्स के एंड उनके मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से जो भी आपके कंपाउंड फॉर्म्ड हो रहे हैं विच इज आल्सो नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है ना, हमारा टारगेट रहता है कि हमारे क्लास में जो हम पढ़ा रहे हैं उसी टाइम बच्चों को कम से कम 80% तो लर्न हो जाना ही चाहिए। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? कुछ नहीं, दैट टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड
कार्बन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच इज आल्सो नोन एज हाइड्रोकार्बन, उसको क्या कहेंगे हम लोग, हाइड्रोकार्बन कहते हैं. एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे मेथेन, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4. मेथेन ले लो, एथेन ले लो, प्रोपेन ले लो, कोई भी ले लो, एथीन ले लो, प्रोपाइन ले लो, कोई भी फैमिली का ले लो, वो सब आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं. क्यों? क्योंकि ये हमेशा हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम एंड उनके मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, ठीक है ना. और आपको पता है ये सब क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. सबसे पहली बात तो आती है आपका हाइड्रोकार्बन है क्या, हाइड्रोकार्बन हमारा भैया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ये आपका हाइड्रोकार्बन, सबसे पहली बात तो हाइड्रोकार्बन क्या है आपका, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ओके, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. हाइड्रोकार्बन आपके क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है. और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके बन कैसे रहे हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम एंड मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से, ठीक. जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, बहुत सारे इसके एग्जांपल है, सारे फैमिलीज के एग्जांपल इसके, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन फैमिली का. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब नेक्स्ट बात ये आता है कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि आपका मेथेन ही हुआ, ठीक है ना. अब ये इनमें बॉन्डिंग कौन सी होती है, इनमें हमेशा आप इतने सारे बॉन्ड्स पढ़े हुए बॉन्डिंग वाले चैप्टर्स में, इसमें कौन से बॉन्डिंग होते हैं जो कि हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपस में बाइंड किए हुए रहते हैं. तो कोवेलेंट बॉन्ड, हमेशा याद रखना आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उसमें 99% जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा ही आपस में बाउंडेड होते हैं. कुछ रेयर केस में 1% जो होता है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते, वहाँ पे आयनिक बॉन्ड शो करता है, जैसे कि आपका ग्रिग्नॉट रिएजेंट हो गया, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है ना. तो 99% बट आपका क्या होता है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बॉन्डिंग, इसको लिख लो सारे बच्चे, डेफिनेशन को लिख लो. ओके, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिख रहा है सारे बच्चों को, क्लियर. द बॉन्ड फॉर्म्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द mutual sharing of electron pairs in an organic compounds, ठीक है ना. बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो उसमें द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द मैचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. और जिसमें मैचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड. यहाँ आगे आप लोग लिख सकते हो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, this type of bonding is also known as covalent bonds, covalent bond कहते हैं. तो सारे बच्चों को ये टर्म क्लियर होना चाहिए कि आपके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड हैं
वो उनमें सब में 99% आपको कोवेलेंट बॉन्ड ही देखने को मिलेंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसमें मैच्योर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होता है, इसमें हमेशा मैच्योर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करते, ये अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं करते कि चलो तुम हमारा इलेक्ट्रॉन रख लो, हमें उससे मतलब नहीं है, अब हमें उससे लेना देना नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा मैच्योर शेयरिंग करते, साझेदारी करते इलेक्ट्रॉनों को या इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को हमेशा साझेदारी करते हैं, तो इसीलिए उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा देखने को मिलते हैं। जैसे कि इन दैट केस अब आप मेथेन में ले लो CH4 में, चलो सॉल्व करते हैं। जैसे कि CH4 में हमने लिया, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, C6 होती है, क्या हो जाएगा 1H2 2H2 2P2। अभी देखो इसमें, अब इसमें जो आपका आउटर मोस्ट सेल है, ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा। आपका जब भी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन से होते हैं, इनर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं कि आउटर मोस्ट के होते हैं, वो हमेशा आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में शेयर होते हैं, मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 2, 4 है ना, तो कहने का मतलब वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। सबसे पहली बात तो वैलेंस सेल क्या होता है, इट इज़ द आउटर मोस्ट सेल, ये सबसे जो बाहर वाली सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल होती है। जैसे कि इसमें 2 और 2 मतलब 2s2p, ये दोनों आपके आउटर मोस्ट सेल हैं, 2s and 2p ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल, ठीक। और आउटर मोस्ट सेल को ही हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। तो चलो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर अब बना लेते हैं, कार्बन, कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, और हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, हाइड्रोजन 4 है ना, तो चारों हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे, चारों के एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, और इनके बीच में क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्डिंग के द्वारा आपस में क्या हुआ है, बाउंडेड है ना, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कि अपने इलेक्ट्रॉनों को मैच्योर शेयरिंग के द्वारा आपस में बाउंडेड हो गए हैं, और इसलिए ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड हो गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, नेक्स्ट आई विल प्रोसीड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ओके। तो इसे हम रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ओके, ये टर्म आई होप क्लियर हो गया होगा सारे बच्चों को, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होता है वो कैसा होता है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द मैच्योर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैच्योर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर से इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज ऑल्सो नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कहने का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही आपको मिलेगा। ओके, नाउ I will proceed about the classification of hydrocarbons. एक टर्म आता है, हमने आपको बताया कि जब भी बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड वाला चैप्टर हमने वैसे ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जिन बच्चों को नहीं पढ़ाया है जो हमारी क्लास नहीं अटेंड करें फिर भी डोंट वरी अबाउट इट, हम यहाँ बता रहे हैं कि जब भी कोई भी बॉन्डिंग की प्रोसेस जब भी होती है तो बॉन्डिंग में हमेशा पार्टिसिपेट आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, और जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं उन्हीं को ही हम लोग बोलते हैं क्या, वैलेंस सेल, एंड वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल हमेशा आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, चलो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मैनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द टू एंड मोर कार्बन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कहने का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मैनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, कहने का मतलब कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं दो या दो से अधिक कार्बन एटम्स के बीच में, या दो से अधिक कार्बन एटम या उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं. ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मैनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द टू एंड मोर कार्बन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू मेनली टू टाइप्स. Are you getting my point? And first is called saturated hydrocarbon and second is called unsaturated hydrocarbon. तो लिख लेते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फटाफट लिख लो सारे बच्चों मेरे साथ. On the basis of how many bonds are present between two or more carbon एटम कार्बन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स इट इज फर्दर डिवाइडेड इन टू मेनली. ये बेटा एल वाई है, थोड़ा स्पीड में लिख रहा है तो आई थिंक आप लोगों को हमारी स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही होगी. Divided into mainly two types. Okay? Hydrocarbons को on the basis of how many bonds are present between two or more carbon atoms and molecules, it is further divided into mainly two types. कौन कौन से? हाइड्रोकार्बन्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया. सबसे पहले जो है वो क्या है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. एंड नेक्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब हाइड्रोकार्बन्स को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मैनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन टू एंड मोर कार्बन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड सेकेंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. What is saturated hydrocarbons? That types of hydrocarbons where only single bonds are present between two and more carbon atoms and molecules, which is also known as saturated hydrocarbons. And what is unsaturated hydrocarbons? When two and three and more than. ओके, कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक, मतलब दो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आपको जब भी देखने को मिले तो वहां पे हमेशा क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. व्हेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन टू एंड मोर कार्बन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच इज आल्सो नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, तो लिख लेते हैं. दिख रहा है सारे बच्चों को? क्लियर? ओके, चलो इसको रफ करके ऊपर लिखते हैं. नेक्स्ट सबसे पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन.
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हेन द ओनली सिंगल ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू और मोर कार्बन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स which is also known as saturated hydrocarbons. Okay? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एल्केन फैमिली. ठीक, जैसे CH4 मेथेन. ठीक, अब देखो इसको अगर हमें बनाना हो CH4 को कैसे बनाएंगे. हर जगह देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स के बीच में हमेशा क्या देखने को मिल रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है. ठीक है ना, तो हमेशा जब भी सिंगल बॉन्ड देखने को आपको मिले कार्बन एंड कार्बन एटम्स के बीच में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, जैसे कि ये मेथेन हो गया, एथेन को ले लेते हैं, एथेन सी ये आपका क्या है, एथेन. ठीक, एथेन, एथेन देखो है C2H6. एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 एथेन आपका. देखो इसमें कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो जब भी कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में, हाइड्रोजन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिले, तो वहां पे हमेशा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा. ठीक, चलो नेक्स्ट आई विल प्रोसीड अबाउट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो. ओके, यहाँ पे अन लगा लो, सैचुरेटेड है एन, अन के बाद तब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ओके, देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, व्हेन डबल एन ट्रिपल bonds are present between two or more carbons, atoms and molecules. Molecules which is also known as unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons. इसकी एग्जाम्पल की बात करें, एल्कीन
एल्काइन फैमिली आती है इसमें, ठीक। एल्कीन फैमिली में क्या होता है, कार्बन कार्बन बीच के, कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन फैमिली में देखो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है बेटा, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो एटलीस्ट या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है ना। कहने का मतलब एटलीस्ट वन या वन से अधिक भी आपका जब भी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में देखने को मिले तो वो होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपके एल्कीन एंड एल्काइन फैमिली आती है। आपको हाइड्रोकार्बन्स में तीन फैमिली पढ़ना होता है, एल्केन फैमिली, एल्कीन फैमिली एंड एल्काइन फैमिली। एल्केन फैमिली आपका हमेशा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में आता है, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसलिए। एंड आपका अदर जो दोनों फैमिलीज है जैसे कि आपका एल्कीन एंड एल्काइन फैमिली है, इसमें हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो आपकी एल्कीन फैमिली है उसमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है हमेशा, और एल्काइन फैमिली में कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में एटलीस्ट उसमें हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसलिए ये दोनों फैमिलीज आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं, ठीक। तो आज की क्लास में बस इतना ही, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, ये सब हमने आपको अच्छे से डिटेल कवर किया हुआ है। आई होप सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड जहाँ जो भी ना टॉपिक आपको समझ में आया या जो भी आपको मेरी लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो या कहीं कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक। और एक बात और आती है, जैसे कि यहाँ पे आपका ये जो फैमिली बनी हुई है एल्केन फैमिली एंड एल्काइन फैमिली, ठीक है, ये वैसे तो ये तीनों फैमिली हम लोग अच्छे से डीपली पढ़ेंगे बट अभी के लिए यहाँ बता दे रहे हैं। चलो इसको पहले नोट्स करो, तो बता रहे हैं, अच्छे से नोट्स कर लो फाइनली। ओके देखो सेशन एंड होने वाला है, फाइनली हम लोगों को रिजल्ट क्या निकला, जो हमने पूरा पढ़ा उसमें कंक्लूजन क्या निकला, सो फाइनली वी आर गेटिंग ऑफ, हम लोगों ने फाइनली क्या, देखो फार्मूला आपका फार्मूला इधर हम लोग लिख ले रहे हैं, फैमिली नेम एंड इधर लिख ले रहे हैं बॉन्ड्स प्रेजेंट, ठीक, फैमिली नेम एंड फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, शॉर्ट नोट आप लोगों को बनवा रहे हैं। देखो फार्मूला होता है आपका सी एन एच टू एन प्लस टू, किस फैमिली का फार्मूला है ये, एल्केन, एल्केन फैमिली का फार्मूला, और इसमें बॉन्ड कितना होता है कार्बन कार्बन एटम के बीच में, सिंगल बॉन्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये आपका पूरा जितना हमने टॉपिक अभी समझाया आधे घंटे के लेक्चर में पूरा उसका हम आपको शॉर्ट नोट बता दे रहे हैं, शॉर्ट नोट बनवा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, नेक्स्ट देखो दूसरा सी एन एच टू एन, ये है आपका एल्कीन एंड इसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एंड तीसरा सी एन एच टू एन माइनस टू, ये है आपका एल्काइन और इसमें क्या होता है कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यही हमको आपके पूरे सेशन का यही निचोड़ है। अब इसमें देखो ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है, ये सिंगल सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये दोनों आपका ये एंड ये दोनों आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक। चलो ये एरो ऐसे बन गया, इसको बना दे रहे हैं ऐसे,
ये और ये दोनों आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आई होप इस सेशन में जितना भी हमने आपको अच्छे से जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग इन तीनों फैमिली के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक्स ऑल ऑफ यू।